Hello friends and a very good morning to all of you. This is Achal and I welcome you all on Topic Study, a channel of Fun Academy Group. आज का जो हमारा session है वो है based sentence improvement पे, जहाँ पर आपके पास आएंगे बहुत सारे sentences और बहुत सारे sentences में होगा कुछ part underline. You have to find out the error in that underlined part. आपको ढूंढना है error उस underlined part पर. Sentence improvement की exercise improvement लाती है. That means इसमें हम tense को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपके पास ऑप्शंस 1, 2, 3, 4 में दिए हो, राइट? 1, 2, 3 ऑप्शंस दिए हो कि इससे भी स्टार्ट कर दिया, वॉस से भी स्टार्ट कर दिया, तो अगर ग्रामर करेक्ट बनता है तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं. लेकिन अगर सिंगल लाइनर आता है सिर्फ अंडरलाइन के साथ, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं दिए, तो फिर आप एरर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार निकाल सकते हो. ठीक है, समझ में आई बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए भैया. ठीक है, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं इसको. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एकोइंग व्लादिमीर अबास्किन वी कैन आर्ग्यू दैट इट इज ट्रू दैट लेनिन एंड स्टालिन could not evolve a definite model of socialism, but that do not imply that socialism had met its eclipse. बताए यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से underlined part देखो, सिर्फ उस underlined part में ही error निकलेगी. Go through that underlined part, you will have an error only in that part. चलिए बताइए क्या होना चाहिए. हाँ जी, echoing Vladimir Baskin, we can argue that it is true that Lenin and Stalin could not evolve a different model of socialism, but that do not imply. बताओ क्या होना चाहिए. Very good guys, very good. It should be does not imply. मतलब कि ये जो इवॉल्व नहीं कर पाए, कुड नॉट इवॉल्व अ डेफिनेट मॉडल ऑफ सोशलिज्म, बट दैट डू नॉट मीन नहीं, दैट डज नॉट मीन होगा. करेक्ट, दैट डू नॉट मीन नहीं, दैट डज नॉट मीन होगा. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. और नॉट ऐसे ही रहने दो. दैट डज नॉट मीन दैट सोशलिज्म हैड मेड इट्स एक्लिप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, economic growth rates were transformed from the respectable 4 to 5% of the Mao era to an annual growth rate of 9.5% between 1978 and 1992. बताइए क्या होगा. Doesn't imply was absolutely correct. Second question देखो जरा जल्दी से answer करो उसका. जब reforms introduced हुए थे चाइना में, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स जो थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए थे रिस्पेक्टेबल 4.5% ऑफ द मेओ एरा से एनुअल ग्रोथ रेट में 9.5% बिटवीन 1997 टू 1992. बताइए 1978 एंड 1992, जल्दी से बताइए क्या होगा. बाय चाइना, नो. व्हेन रिफॉर्म्स में गलती है. अरे नहीं बाबा, रिफॉर्म्स लगा है ना. So according to reforms, were भी तो correct है. This is absolutely correct. This is absolutely correct. When का मतलब होता है जब. Don't you think we are talking about something which is already being transformed? क्या आपको नहीं लगता हम बात करें उस चीज़ की जो transform हो चुका है. आपको नहीं लगता वो चीज़ की कि ये होने के बाद, reforms को introduce करने के बाद economic growth में कोई change आया था, right? आपको नहीं लगता रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स में चेंज आया था. नो एरर, नहीं एरर तो है, एरर तो है. बट द थिंग इज वी वांट टू से दैट वंस द रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड देन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स वर ट्रांसफॉर्म. तो पहले कुछ हुआ उसके बाद हुआ. बताइए सी द एरर इज इन हियर. When नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, after का use करोगे कि ये होने के बाद, after reforms were introduced, reform के introduce होने के बाद China का economic growth क्या हुआ था, transform हो गया था. Is that clear? Next चलिए third question देखिए. The concept of socialism has often confronted in the limitations of the concept of capitalism. क्या होगा यहाँ पर बताइए. What do you think the correct answer is?
हाँ जी, क्या होगा जल्दी से बताओ। यहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म हैज ऑफन कन्फ्रंटेड इन द लिमिटेशंस। यार मेरे को तो सबसे पहले यहाँ पर जो एरर लग रही है ना, वो एरर लग रही है फिक्स्ड प्रेपोजिशन की। सबसे पहली एरर लग रही है फिक्स्ड प्रेपोजिशन की, ठीक है। हिंट दे दिया मैंने, अब आंसर तुम बताओगे। हाँ जी, ऑफन कन्फ्रंट्स, नो, हैज नहीं आएगा, ठीक है, हैज नहीं आएगा, कैन बी देयर। अच्छा ठीक है, मैं इसके लिए तो आपको दो ऑप्शंस दे सकती हूँ। हैज नहीं आएगा, मान ली तुम्हारी बात, मान ली हैज नहीं आएगा, तो अगर हैज नहीं आएगा या अगर मैं बोलूँ हैज आएगा, वन कंडीशन इज इफ वी प्लेस हैज, वन कंडीशन इज इफ वी प्लेस इज इंस्टेड ऑफ हैज, तो क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहले फिक्स प्रपोजिशन की गलती जो हम बोल रहे हैं वो निकालने की कोशिश करो जरा। सबसे पहले फिक्स प्रपोजिशन की जो गलती जो हम बोल रहे हैं वो निकालने की कोशिश करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डू दैट, बताओ जल्दी से। हैज इज नॉट, नो, देखो कन्फ्रंटेड टू नहीं होता है, कन्फ्रंटेड इन द लिमिटेशन नहीं होता। सबसे पहली एरर तो यही है, कन्फ्रंटेड के साथ आप क्या लगाते हो बताओ। What is used with confronted? हाँ जी, ये भी underlined है, ठीक है, this is also underlined. हाँ जी, सबसे पहली अरे यही है कि confronted के साथ हम क्या लगाएंगे, confronted with का use करेंगे, confronted with का use करेंगे, ठीक है। रही बात has की और is की, तो अगर has लगा रहे हो तो has often been confronted लगा देंगे, because we don't know who is the doer here, right? है ना, हमें नहीं पता कि doer कौन है, इसलिए been का use होना जरूरी है। Has often been confronted with, या फिर is often confronted, is often confronted with. Either right, has often been confronted with और is often confronted with. तो वही हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर तीन improvements हैं, like have भी लगा दिया है, तो हैव तो नहीं लगेगा, लेकिन हमारा आंसर हो सकता है क्या, ओनली वन एंड टू, राइट। ये तो हमारा आंसर हो सकता है, ओनली वन एंड टू, लाइक हैज ऑफन बीन कन्फ्रंटेड विद और इज ऑफन कन्फ्रंटेड विद। एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया और दूसरा प्रेजेंट टेंस में। इज दैट क्लियर? यस, करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन ब्रिटेन हैज इंटेंसिफाइड टू एन अलार्मिंग डिग्री वंस व्हिच ओवरशैडोड द कंट्रीज प्रपोज्ड एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। बताइए यहाँ क्या गलती है, क्विकली टेल मी व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस। ओके, व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस। इज ऑफन के बाद वी फोर क्यों नहीं लगा मैम, इज ऑफन के बाद वी फोर क्यों लगाओगे, यहाँ डूअर थोड़ी दिया हुआ है भाई, यहाँ डूअर थोड़ी दिया था, कौन कन्फ्रंट कर रहा है ये थोड़ी दिया हुआ था, या कौन कन्फ्रंट करा रहा है ये थोड़ी दिया हुआ था। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन ब्रिटेन हैज इंटेंसिफाइड टू एन अलार्मिंग डिग्री। कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रही है ब्रिटेन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वंस विच ओवर शैडोड द कंट्रीज प्रपोज एग्जिट, वंस लगाना है यहाँ पर, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, इट शुड नॉट बी वंस, इट शुड बी वन। अब एक चीज बताओ, वन क्या है, वन क्या है, वन इज एन इनडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट प्रोनाउन, सॉरी इंडेफिनेट आर्टिकल कह रहे हैं, वन इज एन इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब बताइए जिसको ग्रामर आती है इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद क्या लगता है, बताइए। वन इज एन इंडेफिनेट प्रोनाउन, विथ इंडेफिनेट प्रोनाउन विच रिलेटिव प्रोनाउन डू वी यूज, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ तो आपको आंसर पता चल जाएगा। Those who can answer this question of mine can easily answer this as well. The one nahi hoga, one hi likhe rahe do. But I want to ask, if you are writing one and one is an indefinite pronoun, which relative pronoun do you use with indefinite pronoun? Batao. Indefinite pronouns ke saath kaun sa relative pronoun use karte ho? Very good. Very good guys, very good. Some of you have told me already, like Shri Lalita and Gajendra and Sagar ne mujhe bata diya hai, and that is that, right? And that is that. So obviously baat hai, yahan par which nahi lagega, that ka use karenge. Ab bataiye, one that overshadowed the country. Batao, one that overshadowed the country, is this correct? One that
has overshadowed. अब यहाँ पर तो हमारे पास subject दिया हुआ है ना, we have the subject here, right? यहाँ पर तो हमारे पास subject दिया हुआ है, तो that के बाद हम verb भी तो लगा सकते हैं, है ना? That के बाद हम verb भी तो लगा सकते हैं, तो यहाँ पर होगा because one singular है तो has overshadowed. और sentence बनेगा one that has overshadowed the country's proposed exit from the European Union. यहाँ पर हमारे पास subject है, तो subject के साथ verb लगना चाहिए, इसलिए verb हम यहाँ पर has overshadowed का use कर रहे हैं. Is that clear? चलिए next चलते हैं, next question देखिए. So rightly it has been remarked that Mr. Johnson has adopted the Trumpian tactic of goading opponents to energize his supporters. बताओ. What do you think the correct answer here would be? आपको क्या लगता है कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? So rightly it has been remarked that Mr. Johnson has adopted the Trumpian tactic of goading opponents to energize his supporters. क्या लगता है यहाँ पर क्या सही होना चाहिए? बताओ जल्दी से. बताइए जिसने ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं और जिसने प्रैक्टिस करी है. वेरी गुड गाइज, वेरी गुड. Yes, correct Nikki, correct Shri Lalita, Divya, Mayank and Pooja, that's correct. Whenever you start your sentence with so rightly, as in so plus adverb of manner, jab aapka sentence so plus adverb of manner se start hota hai, so you follow law of inversion. Law of inversion says you have to follow helping verb first, then the subject and then your action. Theek hai, then your action. So what happens here, so rightly laga hua hai. It has की जगह it will be has it. It will be has it been. ठीक है, इसी वजह से so plus adverb manner से जब sentence आता है तो helping verb subject और action लगता है. So helping verb is has and subject is it. The sentence will be so rightly has it been remarked that Mr. Johnson has adopted the Trumpian tactic for goading opponents to energize his supporters. Is that clear? Yes, correct. आगे बढ़ते हैं, next question देखिए. ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर वॉज स्केचिंग ओनली पोर्ट्रेट ऑफ लेनिन ऑफ नो कंट्री इन 1889 इन अ हाउस बोट व्हेन द फकीर वॉज क्रॉसिंग द मिस्टिकल मोमेंटेनियस ऑफ द रिवर पद्मा. बताइए यहाँ पर क्या हुआ? गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग भैया, बताइए क्या हुआ यहाँ पर, बताओ. ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर वॉज स्केचिंग ओनली पोर्ट्रेट. उन्होंने सिर्फ एक पोर्ट्रेट स्केच करी थी. वॉज स्केचिंग होगा या वो स्केच्ड पहले कर चुकी थी, बताइए. ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर वॉज स्केचिंग ओनली पोर्ट्रेट या फिर स्केच्ड ओनली पोर्ट्रेट. उनकी सिर्फ एक, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड. वॉज स्केचिंग नहीं होगा, शी ओनली स्केच्ड वंस, इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी स्केच्ड ओनली पोर्ट्रेट. स्केच्ड ओनली पोर्ट्रेट, उनकी एक ही पोर्ट्रेट स्केच की गई. नेक्स्ट इज सत्यजीत रे हु हैड एंसेस्ट्रल रूट्स इन शेरपुर बांग्लादेश वॉन्टेड टू मेक अ फिल्म ऑन द न्यू नेशंस लिबरेशन स्ट्रगल बट हैव नॉट. बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या गलती है यहाँ पर, बताओ. सत्यजीत रे हु हैड एंसेस्ट्रल रूट्स इन शेरपुर बांग्लादेश वांटेड टू मेक अ फिल्म ऑन द न्यू नेशंस लिबरेशन स्ट्रगल बट हैव नॉट. कह रहे हैं वो करना चाहते थे, वो चाहते थे, तो उसका हैव नॉट बनाया नहीं है, ये सही होगा, या वो बना नहीं पाए, ये सही होगा, बताइए. सत्यजीत रे जिनके एंसेस्टर्स शेरपुर बांग्लादेश से थे, वो नए नेशन के लिबरेशन स्ट्रगल मतलब जो फ्रीडम का स्ट्रगल है उसके ऊपर एक फिल्म बनाना चाहते थे, वांटेड टू चाहते थे, बट कर नहीं पाए या बनाया नहीं, बताओ. बनाया नहीं या बना नहीं पाए, डू नॉट नहीं, यहाँ पर कैपेबिलिटी की बात हो रही है. ही कुडंट डू इट, कैपेबिलिटी की बात हो रही है, और कैपेबिलिटी की बात जब होती है सो वी यूज ओनली टू थिंग्स, या तो कैन या तो कुड. और यहाँ पर सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है तो बट हैव नॉट नहीं लगाओगे, यू विल रूट राइट रूट नहीं, यू विल राइट कुडंट, बट कुडंट मतलब वो मना नहीं पाए, ही कुडंट मेक इट. सो सत्यजीत रे हु हैड एंसेस्ट्रल्स
ancestral roots in Sherpur, Bangladesh, wanted to make a film on the new nation's liberation struggle, but couldn't. Lekin bana nahi pai, could not be laga sakte few. Next is, having grown up believing that Hindutva was a dangerous, divisive ideology, I find myself surprised at how important an idea it could be for our times. Bataiye jaldi se yahan kya hona chahiye. Having grown up believing that, मुझे बड़ा किया गया है ये बताते हुए, ये बिलीव कराते हुए कि हिंदुत्व एक बहुत डेंजरस डिवाइसिव, मतलब डिवाइड करने वाली आइडियोलॉजी है, और मैं आई फाइंड माई सेल्फ सरप्राइज, मैं बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाता हूँ इस बात पे कि एट हाउ इम्पॉर्टेंट एन आइडिया इट कुड बी फॉर आर टाइम्स. मतलब हमारे टाइम के लिए एक ये आइडिया, किस चीज़ का आइडिया, एक रिलीजन का आइडिया कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है. तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से. इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैट समबडी बिलोंग्स टू अ रिलीजन? Don't go with the society. I'm just asking you people. Batao. Grow up. Nahi. Having grown up. Bilkul nahi. ING form. Having jab use karte ho, to itna dhyan rakhna. Jabhi bhi having in the beginning use karenge, uske baad ka form hamesha word ki third form hota hai. This is absolutely correct. Grown up ka matlab hota hai bada karna. Theek hai? Grown up ka matlab hota hai. Grow up is a phrasal verb which means to age. Matlab bade hona. Aur grown up is obviously it's a preposition. तो preposition के बाद अगर verb लगता है तो ये ing form में आता है, इसलिए believing correct है. और that तो condition को define कर रहा है. तो भाई मेरे according हाँ सरकार इसी से बनती है. अरे कौन, ये इतने सारे लोग कह रहे हैं yes yes yes. You really believe in the religion? Religion as in I'm talking about, do you believe in religion while helping somebody? Do you believe in religion while thinking about another religion? क्या आप अपने religion के बारे में सोचते हैं कि मैं उसके यहाँ कैसे चला जाऊँ? ऐसा मेरा question है कि मैं इसके यहाँ कैसे चला जाऊँ जब मैं हिंदू हो तू, जब मैं इसके यहाँ कैसे चला जाऊँ जब मैं मुस्लिम हो तू, ऐसा वाला. I don't think you should ever do that. ठीक है, googly question है, there is no error in this sentence is absolutely correct. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ. And here's the next question. The Mahatma was a very great man. So I speak with respect, though it's hard not to admit that some of his ideas were obscurantist to the point of being dangerous. बताइए क्या हुआ यहाँ पर? No improvement, absolutely correct. There was no error in this sentence. कोई बात नहीं, कभी कभी होता है भाई. चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा. Obscurity is the word. Obscurity से बना है obscurantist. ठीक है, obscurantist. एनी वे बताइए क्या होगा यहाँ पर. ऑब्सक्योरेंटिस्ट का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको. यू कैन कॉल इट अ पर्सन जो कि, यू कैन कॉल इट अ पर्सन जो कि डेलिबरेटली अपने फैक्ट्स को या फुल डिटेल्स को बताना नहीं चाहता, मतलब लोगों को डेलिबरेटली छुपा के रखता है सारी चीज़ों को. बताओ क्विकली, टेल मी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. हाँ, रिलीजन का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया भाई. तुम एक बात बताओ, हम लोग अब उस तरह से नहीं देखते हैं रिलीजन को. पहले होता था पहले के ज़माने में कि ये लोअर कास्ट से बिलोंग, मतलब दादी लोग के भी, मेरे दादा दादी के भी पिछले ज़माने में अगर चले जाओ तो वो लोग बोलते थे कि यार ये लोअर कास्ट की है, हम इससे खाना नहीं बनवाएंगे, ये ऐसे कास्ट की है, हम इससे चाय नहीं पियेंगे, ऐसा वाला था. अब ये सब नहीं होता है, अब ये सब नहीं होता. अब तो मैक्सिमम लोग जो दिल्ली में जिनके यहाँ खाना बना रहे हैं मेरे सब बांग्लादेशी हैं. तो क्या करोगे यार, खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं, निकाल भी नहीं सकते तुम, है ना. चलिए बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए. बट इट इज, हाँ, दो इट्स हार्ड. पहली बात, जब आप लिखते हैं इट्स तो भाई एक पोजेसिव केस होता है ना. अरे एक चीज़ हम आज आपसे पूछना चाहते थे. मैंने एक चीज़ मतलब नया क्या पढ़ी बहुत पहले थी, लेकिन वापस से एक चीज़ दिमाग में आई है कि ये लगा होता है ना पॉइंट आय के ऊपर, हर जगह बहुत सारी जगह लगा होता है, जहाँ पर भी आय लगाते हैं उसके ऊपर ये पॉइंट लगा होता है. इस पॉइंट का नाम क्या होता है याद है, मतलब पता है, बताओ. डू यू नो इस पॉइंट, द पॉइंट प्लेस्ड अबव आय, आय के ऊपर जो पॉइंट लगा होता है उस पॉइंट का मतलब क्या होता है, बता सकते हो? तब तक मैं आपको ये बताती हूँ. इट्स जो है पोजेसिव केस होता है, ठीक है. इट्स जो है पोजेसिव केस होता है, और इट्स आई टी अपोस्ट्रोफी एस, ये शॉर्ट फॉर्म होता है इट इज़ का. तो ऑब्वियसली बात है हमें इट्स तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए इट इज़, है ना.
अब यहाँ पर देखो, महात्मा एक बहुत अच्छे आदमी थे तो हम उनके बारे में रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन लेकिन तो दो नहीं आता, लेकिन के लिए हम बट का यूज करते हैं, येट का यूज करते हैं या स्टिल का यूज करते हैं, बट येट या स्टिल का यूज करते हैं, है ना? तो यहाँ बट आना चाहिए. बट इट इज हार्ड नॉट टू, नहीं, इट इज नॉट हार्ड टू एडमिट. हार्ड नॉट टू नहीं, इट इज नॉट हार्ड. आई टोल्ड यू हमेशा नो नॉट नेवर का, या नॉट का जो स्पेसिफिक यूसेज है, नॉट का यूज हमेशा उस मेन वर्ड से पहले होता है जिसको स्पेसिफाई कर रहा है. तो अगर हार्ड के लिए यूज हुआ है तो हार्ड से पहले आएगा. हम बोलते हैं ना, और हेल्पिंग वर्ब की जनरली हम इसको बात कराते हैं, लाइक इट इज नॉट हार्ड, इट इज नॉट वर्किंग, शी इज नॉट कमिंग विद अस. सो इज के मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आप नॉट को लगा रहे हो और मेन वर्ड से पहले लगा रहे हो, है ना? जल्दी से बताओ. हाँ, बट क्यों आया? क्योंकि ऑपोजिट कंडीशंस डिफाइन कर रहा है ना. कह रहे उनके आइडियाज ऑब्सक्योरिटेंस के तरह थे, दैट मींस वो बहुत डेंजरस थे. उनके आइडियाज ऐसे थे जो डेंजरस थे, लेकिन वो शेयर नहीं करते थे. लेकिन कह रहे हैं वो बहुत बड़े, बहुत ग्रेट इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए हम रिस्पेक्ट से बोलते हैं. तो दो ऑपोजिट चीजें आ गई ना भाई. एक तरफ बोल रहे हो बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है, बहुत ग्रेट इंसान है वो, और दूसरी तरफ बोल रहे हो उनके जो आइडियाज है वो छुपा के रखते थे, रिवील नहीं करते थे वो, लेकिन वो बहुत डेंजरस होते थे. तो दो ऑपोजिट है, इसलिए बट का तो यूज करना ही पड़ेगा, दो नहीं लगाएंगे. ठीक है? हाँ हाँ हाँ. तो ये जो डॉट लगा होता है इसको हम बोलते हैं टिटल, TITTLE, टिटल. ठीक है? चलिए, यहाँ पर आपको आंसर पता चल गया. क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम. कंसिडर द एस्टिमेट 330 करोड़ लीटर्स रिक्वायरमेंट फॉर 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड द टारगेट ऑफ 20% टू बी अचीव बाय 2030. देर इज सर्टनली समथिंग दैट बोथ शुगर मिल्स एंड केन ग्रोअर्स कैन लुक फॉरवर्ड टू. बताइए क्या होगा? ग्लाइफ बोलते हैं शायद, नहीं, इट्स टिटल दैट वी कॉल इट. ठीक है, टिटल बोलते हो, टिटल टिटल, जैसे हिंदी में टिटली बोलते हो, तितली, वैसे टिटल होता है. तितली भी उड़ती रहती है ना इधर उधर, टिटल भी कहीं पर भी लगा लेते हैं. एनीवे, बताइए. ओके, कंसिडरिंग, वेरी गुड, वेरी गुड. कंसिडर से आप सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते हो, जब आप सेंटेंस की बिगिनिंग करते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कंसिडर नहीं, कंसिडरिंग लगेगा. करेक्ट, इट शुड बी कंसिडरिंग द एस्टिमेट 330 करोर, कंसिडरिंग द एस्टिमेट 330 करोर, या फिर ये अमाउंट, ये यूनिट, ये फैक्ट, ये पॉइंट आप एस्टिमेट कर चुके हैं ऑलरेडी. बताइए, एस्टिमेशन नहीं होगा, कंसिडरिंग द एस्टिमेट नहीं, estimated, you have already done that baba, estimated, आप estimate कर चुके हैं already, आप उसको सोच चुके हैं already, right? तो considering the estimate, हाँ ये भी लगा सकते हो, considering the estimated, या फिर considering the estimation of 330 liters, but my idea is instead of adding more words, you can just change the meaning, right? You can just change with the words that you already have. Instead ki hum zyada words ko add kare, matlab yahan par hum of ko bhi add kar rahe hai na, to instead of adding words hum kya kar sakte hai, estimate ko estimated kar dein. theek hai, hai dono sahi, hai na? ha hai dono sahi, considering the estimated ya consider the estimation of, hai dono sahi, but the thing is here, बहुत आवाज आ रही है, आवाज बंद हो जाएगी. लो, बताओ. थैंक यू साई विनीत. सो आई होप दिस इज क्लियर. कंसीडरिंग द एस्टिमेटेड भी सही है, कंसीडरिंग द एस्टिमेशन ऑफ भी सही है, लेकिन ज्यादा ये ऑफ को एक ऐड करने से बेहतर है हम कम वर्ड से काम चला ले. तो कम वर्ड से काम चलाना है तो इससे हो सकता है, राइट? इसको लगाने की जरूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. स्पेस एक्सप्लोरेशन हैड इंक्रीजिंगली बिकम परफॉर्मेंस साइंस, immense public expectations and emotions are on display. बताइए क्या हुआ यहाँ पर? हाँ जी, कॉम्पैक्ट इंग्लिश यूज करेंगे, बिल्कुल, ये तो आपको पहले ही बता दिया गया. अब नहीं आएगी आवाज यार, परेशान मत हो, ठीक है? बहुत परेशान होते हैं तुम लोग. एसी चल रहा था, वो गर्मी मर जाए ना आदमी, जहर खा ले हम. कंसिडरिंग क्यों लिए? क्योंकि सेंटेंस की बिगिनिंग आईएनजी फॉर्म से करते हैं, वी1 से नहीं करते.
ऐसे सेंटेंसेस की, ठीक है? चलो बताओ यहाँ पर क्या होगा. ओके, स्पेस एक्सप्लोरेशन हैड इंक्रीजिंगली बिकम परफॉर्मेंस साइंस, इमेंस पब्लिक एक्सपेक्टेशन एंड इमोशंस आर ऑन डिस्प्ले. हैज, आई श्योर? एक बात बताओ, जब हम इमेंस पब्लिक एक्सपेक्टेशंस एंड इमोशंस आर ऑन पब्लिक डिस्प्ले लगा रहे, तो उसको भी हम हैज क्यों करेंगे? व्हाई कांट वी राइट इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग? इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग, व्हाई कांट वी राइट इन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग? अब चलो, आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस, ठीक है? अब आपके पास 1, 2 और 3 है, ठीक है? कैसे है? पहला दिया हुआ है हैज इंक्रीजिंगली बिकम, और सेकेंड इज हैज इंक्रीजिंगली बिकमिंग, एंड देन यू हैव इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग. ठीक है, ये तीन ऑप्शन है. नाउ यू हैव टू सिलेक्ट. मे बी हो सकता है 1 करेक्ट हो, मे बी 2 करेक्ट हो, मे बी मोर देन 2 करेक्ट हो. तो क्या लगाएंगे बताओ? हैज इंक्रीजिंगली बिकम, स्पेस एक्सप्लोरेशन. देखो हम एक बात बताना चाहते हैं आपको, इंक्रीजिंगली एक वर्ड है जो डिफाइन करता है देर इज अ रेगुलर चेंज इन समथिंग, और जब कोई चीज रेगुलर चेंज डिफाइन करती है तो हम उसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रखते हैं. अग्री या नॉट बताओ? अग्री या नॉट? स्पेस एक्सप्लोरेशन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग होना चाहिए इस वजह से, है ना? तो यहाँ पर ये हैज वाले दोनों ही सेंटेंस, देखो हैज के बाद आईएनजी तो लगेगा नहीं, तो वैसे ही गलत हो गया था. लेकिन हैज के बाद V3 लग सकता था, बट द थिंग इज 1 और 3 को नहीं सिलेक्ट करोगे. इंक्रीजिंगली का मतलब होता है समथिंग विच इज रेगुलरली चेंजिंग, राइट? इंक्रीजिंगली का मतलब होता है समथिंग विच इज रेगुलरली चेंजिंग, और रेगुलर चेंज जब होता है तो आप टेंस एक बार जाके पढ़िएगा, रेगुलर चेंज जब होता है सो आप लगाते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का. जब किसी चीज में रेगुलर चेंज होता है तो हम लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, एंड दैट मींस यहाँ पर इज के साथ आईएनजी फॉर्म करेक्ट हो. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, इसलिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग. इज दैट क्लियर? इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इंडियाज अटेम्प्ट लैंडिंग अ स्पेसक्राफ्ट ऑन मून has not gone according to plan. Trial and error is at the heart of science. बताओ क्या हुआ यहाँ पर? बहुत बुरा हुआ ये. हाँ जी, ग्रामर का नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? देखो एक कॉम्पोजिट बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें ग्रामर और क्वेश्चंस दोनों पढ़ाएंगे, तो वो एक क्रैश कोर्स है. 20th September से स्टार्ट हो रहा है. उसके बाद हम एक ग्रामर सेशन, एक पूरा सेशन और लॉन्च करेंगे जो क्लर्क के लिए होगा, लेकिन वो लॉन्च होगा आपके पहले 11th-12th के एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है? तो आप अभी से ले सकते हो. अभी से लोगे तो आप पीओ की प्रिपरेशन भी कर लोगे और उसके बाद क्लर्क की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, ठीक है? तो 3 to 6 months, 6 months आई थिंक इज रिकमेंडेबल. 3 to 6 months लोगे तो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है? लेकिन रेफरल कोड में सिर्फ और सिर्फ एक कोड लगाओगे, दैट इज टॉपिक स्टडी, TOPICSTUDY, ठीक है? रेफरल कोड में यही कोड यूज करोगे, टॉपिक स्टडी, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल सके, ठीक है? वेरी गुड गाइज. अटेम्प्ट के बाद एक फिक्स प्रेपोजिशन होता है, अटेम्प्ट के बाद एक फिक्स प्रेपोजिशन होता है, दैट इज टू, और टू के बाद आईएनजी नहीं लग सकता, V1 लगता है. दैट मींस अटेम्प्ट लैंडिंग नहीं होगा, अटेम्प्ट टू लैंड लगाएंगे. लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन, ठीक है, लेकिन मून एक यूनिक एंटिटी है, राइट? यूनिक एंटिटी, इसलिए द मून लगाते हैं. सो इसलिए सेंटेंस होगा इंडियाज अटेम्प्ट टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून. India's attempt to land a spacecraft on the moon, ठीक है? Attempt of landing भी लगा सकते हो, ठीक है? लेकिन preferably, I would say, preferably हम to land का ही use करेंगे. Preferably हम to land का ही use करेंगे, क्योंकि fixed preposition के according अगर देखोगे तो to ज़्यादा use होता है attempt के साथ. Next देखिए. Next question here, it is for banks. Mandating external benchmarking of lending rates can lead interest rate risks. और पहले 13 सॉल्व करो फिर 14 पढ़ते हैं. बताओ. For banks, mandating external benchmarking of lending rates can lead interest rate risks.
क्या हुआ यहाँ पर बताओ. वेरी गुड. बहुत छोटा सा एरर है. कैन लीड टू का यूज करोगे. कैन लीड टू का यूज करोगे. ठीक है. अगर यहाँ पर अच्छा बताओ अब आ गया कैन लीड टू और दूसरा है कुड लीड टू. कुड लीड टू दो चीजें हैं तो अब क्या सिलेक्ट करेंगे बताइए. कैन लीड टू एंड कुड लीड टू. नाउ व्हाट विल यू सिलेक्ट बताओ. नाउ व्हाट विल यू सिलेक्ट. लीड्स टू. नहीं 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 नहीं. कैन के बाद कैन इज अ मॉडल वर्ब. कैन इज अ मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब के बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो. सो कैन के बाद लीड लगाना इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कैन के बाद लीड लगाना इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बट माय क्वेश्चन इज इफ देयर आर टू थिंग्स गिवन कैन लीड टू और कुड लीड टू. सो कैन यू सिलेक्ट बोथ ऑफ देम बताओ. क्या आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो. यू कैन सिलेक्ट बोथ ऑफ देम. या बोथ ऑफ देम आ करेक्ट. कैन लीड टू भी हो सकता है कुड लीड टू भी हो सकता है. दोनों पॉसिबिलिटीज को ही डिफाइन करते हैं. 14 देखिए. द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी लिंक्ड इट्स सेविंग्स डिपॉजिट एंड शॉर्ट टर्म लोन्स टू द रेपो रेट. प्रपोजल्स फॉर लिंकिंग बल्क डिपॉजिट्स हैज ऑल्सो मूवड. बताओ क्या होगा. Proposals for linking bulk deposits has also mooted. Has also mooted is correct or what? Bata. Both of them are correct. Yes, both of them are correct. हाँ जी. Preference कुड को दोगे क्योंकि possibility की बात कर रहा है ना. Can capability की बात करता है और could possibility की बात करता है तो possibility के लिए could को preference देते हैं. यहाँ पर बताइए क्या होगा. पहली बात तो प्रपोजल्स लिखा हुआ है ना. पहली बात तो प्रपोजल्स लिखा हुआ है. प्रपोजल्स हैज नहीं हैव लेगा. अब ये बताइए प्रपोजल्स फॉर लिंकिंग बल्क डिपॉजिट्स हैज हैव आल्सो मूटेड. किसने मूट किया. डू यू नो दैट अवार्ड. डूअर इज मिसिंग. डूअर इज मिसिंग. और जब डूअर मिसिंग होता है तो हम हैज के बाद या हैव के बाद क्या लगाते हैं. हैव आल्सो बीन मूटेड. बीन क्यों लगा रहे हो. क्योंकि यहाँ पर आपका डूअर नहीं दिया हुआ है कि मूट किसने किया है. मूट किसने किया है ये नहीं दिया हुआ है. इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं. बीन का यूज कर रहे हैं. और सेंटेंस बना आपका क्या. द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी लिंक्ड इट्स सेविंग्स डिपॉजिट एंड शॉर्ट टर्म लोन्स टू द रेपो रेट. प्रपोजल्स फॉर लिंकिंग बल्क डिपॉजिट्स हैव ऑल्सो बीन मूटेड. इज दैट क्लियर. इज दैट क्लियर. चलिए एक और क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना. राइट फ्रॉम हिज अपियरेंस टू हिज बॉडी लैंग्वेज सचा बैरन कोहेन कम्स अक्रॉस एज सिंसियर एंड डेडिकेटेड विच इज ऑब्वियसली अ रिक्रूटमेंट ऑफ द कैरेक्टर ही इज पोर्ट्रेइंग. बताइए क्या होगा यहाँ पर. जल्दी से बताओ. जल्दी से. इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है. प्रपोजल्स फॉर लिंकिंग. प्रपोजल बल्क डिपॉजिट का लिंक करने के लिए दिया गया है लेकिन किसने दिया ये नहीं पता. ठीक है. विल क्यों लगाओगे. प्रपोजल्स दे चुके हैं. प्रपोजल फ्यूचर नहीं है. प्रपोजल नाउन होता है. प्रपोजल तो दे दिया है. काम बाद में होगा. काम फ्यूचर में होगा ना. यहां पर बताओ क्या होगा. सच्चा बैरन कोहेन एज सिंसियर एंड डेडिकेटेड काम जो. नहीं भाई. अरे कैरेक्टर निभा रहा है एक तो कम्स ही तो लगेगा. ही इज पोर्ट्रेइंग तो कम्स ही तो लगेगा. प्रेजेंट में है. विल क्यों कर रहे हो. इज सब प्रेजेंट में है. क्यों इसका विल करोगे. और ये एक और बार गूगली क्वेश्चन आते हुए इस सेंटेंस में बिल्कुल भी एरर नहीं है. ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है. देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस. मेक श्योर वन थिंग भाई. यहाँ पर आते हो तुम वोकैब तुम्हें पढ़नी है. बार बार पूछते हो वोकैब कहाँ से पढ़े. वोकैब कहाँ से पढ़े. 8:40 AM पर डेली एक क्लास होती है टॉपिक स्टडी पर ही है ना. 8:40 AM पर डेली क्लास होती है. उस क्लास को ज्वाइन करिए. मंडे और ट्यूजडे को हम द हिंदू वोकैब पढ़ाते हैं. आज भी हुई थी. वेंसडे थर्सडे हम रूट वर्ड्स पढ़ाते हैं और फ्राइडे सैटरडे हम फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाते हैं. सैटरडे को प्रीवियस ईयर वो क्या आपकी भी क्लास आती है. तो फिर काहे की दिक्कत है तुम्हें. लास्ट क्वेश्चन था ये इस सेशन का. और
अगर आपको अन अकेडमी में जैसे आपने पूछा मैम ग्रामर का सेशन कब स्टार्ट होगा, फुल क्लास कब स्टार्ट होगी, तो ये एक तो 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स, तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 3 to 6 months के लिए ज्वाइन करोगे। तो अभी जो हम अक्टूबर में लेके आएंगे वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वापस पे करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रेफरल कोड में आप यूज करेंगे टॉपिक स्टडी 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी हियर गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू टुमारो।